कट्टरपंथी देखो सभी बिरादरी में है पर ये खत्म होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूँ कि ये कट्टरपंथी आपस में ना इतने खत्म होनी चाहिए और सब में आपस में भाईचारा प्यार होना चाहिए, क्योंकि देखो देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और उनको काफी बड़ी जिम्मेदारी है, वो निभा रहे हैं, और ये कट्टरपंथी जो आपस में हिंदू मुसलमान वाली है, ये बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। ये जो है ना, ये एक बहुत घातक दिक्कत वाली बात हो रही है। इसको जो है बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत की तरह रहना चाहिए और कर देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसे विनती करता हूँ कि ये काम जरूरी हो। Wow.
मुबारक आप सबको। हाँ जी भाई जान, आपका शुभ नाम? ईद मुबारक आप। नाम क्या आपका? अबरार है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते थे? आपका प्यार बना रहे। हाँ जी भाई सर, आपका नाम? मैं तुफैल मोहम्मद। और मैं पटियाला से हूँ। मैं सब मुसलमान भाइयों को, भारत के बाद बाहर के लोगों को, दुनिया के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ये त्यौहार प्यार और मोहब्बत वाला त्यौहार है। सब लोगों को मिल बैठ कर प्यार से रहने का संदेश देता है, नफरत को मिटाने का संदेश देता है। जिस भाइयों ने रोजे रखे हैं, तराबियाँ पढ़ी हैं, अल्लाह ताला उनके तराबियों को मंजूर करे और हमारे भारत देश में शांति बनी रखे। सब बहन भाइयों को मिलकर रहने का मौका देता है त्यौहार। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम इख्तियार सिद्दीकी है, पटियाला। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पंजाब में अमन शांति और पूरे अपने देश में ना अमन शांति का माहौल है। आपस में भाईचारा जिस तरह है उससे अच्छा और माहौल होना चाहिए। जो भी कोई दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, अल्लाह ताला इसको दूर करे। ठीक है, आपके में प्यार मोहब्बत जिस तरह से रह रहे हैं, सुकून से रहें, कोई दिक्कत ना हो किसी राज्य में, कोई आपस में कोई ना इत्तेफाक ना हो। कट्टरपंथी देखो सभी बिरादरी में है, पर ये ख़त्म होनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूँ कि ये कट्टरपंथी आपस में ना इत्तेफाक खत्म होनी चाहिए और सब में आपस में भाईचारा प्यार होना चाहिए। क्योंकि देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, और उनको काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, वो निभा रहे हैं। और ये कट्टरबंदी जो आपस में हिंदू मुसलमान वाली है, ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। ये जो है ना, ये एक बहुत घातक दिक्कत वाली बात हो रही है। इसको जो है बिल्कुल आपस में प्यार मोहब्बत की तरह रहना चाहिए और कर देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैसे विनती करता हूँ कि ये काम जरूरी हो। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? अब्दुल वाहिद। सर, ईद पे भारत के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? देशवासियों को तो संदेश यही है, संदेश मैं तो क्या दूं। पहले तो शुक्रिया कि हर जगह से मेरे आसपास इतना ज़्यादा मोहब्बत है, हम इससे मुतमिन हैं। पंजाब में यहाँ पे अगर किसी का मोबाइल मिला गिरा हुआ तो यहाँ टेबल पे पहुँचा दे। मैं दूसरा देखता हूँ, नफरत वालों को नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, जो मोहब्बत करने वाले हैं। जब भी किसी माइनॉरिटी पे कोई ज्यादती होती है, मुसलमानों से ज़्यादा मेजोरिटी कम्युनिटी के मॉडरेट लोग उसके हक में खड़े होते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उनको इनक्रेज करना चाहिए, उनका शुक्रिया। और किस तरह मना रहे हैं सब, किस किस तरह नए कपड़े बनाना? तो ये है कि 30 दिन के ये देखो, सब में उत्साह है, सारा भाईचारा। ये देखो, गिले शिकवे भी होते हैं, वो भी मिल लेते हैं इसमें ईद के दौरान। एक ऐसा है संदेश के हर रोज़ ऐसा हो कि कोई अगर किसी से गिला भी है, पहल कदमी करके आगे बढ़ के उसे गले लगाए और इससे फिर नफरत खत्म होगी तो मोहब्बत आएगी और तरक्की होगी। मुफ्ती मोहम्मद नईम। और आज क्या संदेश देना चाहते हैं ईद पे लोगों? आज ये संदेश है कि आज 21 मार्च को ईद उल फितर मनाई गई है और बहुत ही पुरअमन मनाई गई है, बहुत ही सुकून के साथ मनाई गई है। कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही खुशहाली के साथ और खुश और खुर्रम मौसम हो रहा है। न गर्मी का मौसम है और न ठंड का मौसम है, बल्कि ज़िंदगी में बहुत ही बेहतरीन ये खुशहाल मौसम मिला है। ऐसी ईद जो है ज़िंदगी में बहुत पहली बार आई है, हमारी ज़िंदगी में पहली बार ये ईद आई है। तो इसमें जो है न गर्मी है न सर्दी है, बहुत ही प्यारा मौसम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत करम और फजल है।
और इस अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है। ये साल जो रोज़े रखे गए हैं वो भी बहुत सुकून के साथ रखे गए हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम और फजल हुआ है। कुरान करीम पढ़ा, तरावी में पढ़ा, बहुत ही जो सुकून के साथ पढ़ा गया, बहुत ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम और फजल हुआ है। उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसने जो हमें जो खुशी अता फरमाई है ये बहुत बड़ी खुशी है। इस खुशी से बढ़कर बहुत कोई खुशी नहीं है। ये जो ईद उल फितर का त्यौहार है ये इनाम का दिन है। यानी जो हमने पूरे रमज़ान जो हमने रोज़े रखे हैं और कुरान करीम पढ़ा, तरावी में कुरान करीम की तिलावत की है और रोज़े रखे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र किया है और तमाम इबादत की है, तो ये ईद उल फितर का जो दिन है वो इनाम का दिन है। ये इनाम लेने का दिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दिन जो है अपने मोमिन बंदों को, मुसलमान बंदों को जो है इनाम अता फरमाता है। इस बात का इनाम अता फरमाता है और इस बात का इनाम अता फरमाता है कि जो हमने रोज़े रखे, जो अल्लाह की इबादत की, तरावी पढ़ी, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसका इनाम देता है। और इनाम वो आज हमें नज़र नहीं आता, लेकिन जब क़यामत के दिन जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश होंगे, जब अपने रब के बारगाह में हम जाएंगे, तो उस इनाम जब हमें मिलेगा, वो इनाम कैसा होगा? वो हमेशा हमेशा का इनाम होगा। वो इनाम क्या होगा? वो इनाम ये होगा कि जब हम क़यामत के दिन अपने रब के सामने जाएंगे तो ऐसा इनाम हमें अता फरमाएगा कि जिसे हम जन्नत कहते हैं। वो इनाम ये होगा कि उस दिन जो अल्लाह हमसे राज़ी होगा, अल्लाह हमसे राज़ी होगा, और इससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। जब रब बंदे से राज़ी हो जाए, ये उस बंदे के लिए उससे बड़ा कोई इनाम नहीं है। अल्लाह उससे राज़ी हो जाए और अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, ये उससे बड़ा इनाम नहीं है। और जन्नत में जो क्या क्या चीज़ें होंगी, वो तमाम अच्छी से ऐसी चीज़ें होंगी कि इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। हम जो मुसलमान हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, इसीलिए ईमान लाए हैं कि जब हम मरने के बाद अपने रब के पास जाएंगे तो हमें को दिल की गहराइयों से, तहे दिल से जो है ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहा हूँ। खानी है तो नहीं।